जैन दोस्तों। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक अच्छी से सुबह से गुड मॉर्निंग के साथ में। सो फाइनली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो जी बिल्कुल। अगर आप ओला स्कूटर बुक कर चुके हो या बुकिंग करने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही स्पेशल है। थोड़ा सा रुको और समझो बात को, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ बात बोलने जा रहा हूँ जो कि ओला के प्रॉफिट एंड लॉस की बात है जी बिल्कुल। ओला के अंदर में क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, इन सब चीज़ें के बारे में बताऊँगा। वारंटी के लिए जो अभी चल रहा है, सब बढ़ाना चाहते हैं नहीं बढ़ाना, उसके लिए भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले क्यों ना हम ही यूट्यूब, क्यों ना हम ही चलते हैं हमारे ओला ऐप पे वारंटी बढ़ाने के लिए, ताकि आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताएं कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है जी बिल्कुल। हाँ, अब बात ओला ऐप की, तो थोड़ा सा इसमें लैग होता है क्योंकि नेट अगर आपका अच्छा सा नहीं चलता है। तो फाइनली ओला ऐप हमारा आ चुका है। इसके लेफ्ट साइड में आप आईडी देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक देख रहे होंगे। इलेक्ट्रिक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक पे क्लिक करते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक पे क्लिक करने के बाद में इसके अंदर एक ऑप्शन आएगा जी बिल्कुल। हाँ, और वो जो ऑप्शन है आने वाला है, थोड़ा सा लैग हो रहा है फ़ोन क्योंकि नेट स्लो है। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पे, हमने क्लिक किया तो फाइनली ये कुछ इस तरीके से रोटेशन होगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका नेटवर्क के अंदर इश्यू आ रहा है, वाईफाई की कनेक्टिविटी में इश्यू आ रहा है, तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि मेरे साथ में कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि मेरा पेमेंट भी डिडक्ट हो गया और मेरी वारंटी भी नहीं बढ़ी जी बिल्कुल। हाँ, अभी आप खुद सामने देख पाएंगे कि किस तरीके से मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ वो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। सो फाइनली कुछ इस तरीके से ये रोटेशन होता है, या सफरिंग जिसे हम बोल सकते हैं, या बफरिंग हमें बोल सकते हैं, बफरिंग होती रहती है। बफरिंग होने के बाद में हमारा आता है ऊपर ओला S1 Pro, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में फिर से थोड़ी सी बफरिंग होती है, क्योंकि मजाल हम फास्ट चल लें, क्योंकि इंडिया का ऐप है सो फास्ट चलने का कोई चांस नहीं है। फाइनली एक्सटेंड योर वारंटी पे जैसे हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद में हमारा जो पोर्शन है कुछ इस तरीके से आता है, एक्सटेंड योर वारंटी 60,000 किलोमीटर को समथिंग इस पर लिखा हुआ है, जो कि तो ओला S1 Pro पे है। और इस पर ओला S1 Pro पे जैसे हम 60,000 को लेते हैं, इसके नीचे की इंस्टॉलेशन चार्जिंग का भी है। मैं तो दोस्तों अगर यही प्रेफर करूँगा, इंस्टॉलेशन चार्जिंग मत लगवाइए, फालतू पॉकेट का पैसा है। तो इंस्टॉलेशन चार्जिंग पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें बता था 7,499 में हमें बैटरी, चार्जर, मदर मोटर और हेडबोर्ड की मिलती है, जो हमारे टच वाला था। इसी के साथ में अगर हम दूसरा वारंटी लेते हैं जिसके अंदर 5,499 का कुछ समथिंग है, तो इसके अंदर हमें देखने को जो मिलेगा इतना खास नहीं मिलेगा। इसके अंदर कुछ सेलेक्टेड आइटम मिलेंगे, तो मैं कहूँगा ये मत लेना। सो फाइनली अब हमारे पेमेंट मोड पे चलते हैं। पेमेंट मोड पे अगर हम जाते हैं तो 7,499 का जो हमारा इतना मोटा रकम है जो हम पे आउट करने वाले हैं कंपनी को, इसको हमने पे आउट किया पेटीएम के थ्रू। अब वो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मेरा पेमेंट कट भी गया और मेरे अकाउंट से डिडक्ट भी हो गया, बट यहाँ पे पेआउट नहीं हुआ, मतलब ओला कंपनी ने नहीं लिया, क्योंकि पेंडिंग में पटक दिया था उसको। फाइनली ये आपके सामने देख सकते हैं, ये कुछ एरर आया मेरे, और एरर आने के बाद में मुझे बड़ा ही मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि ये क्या है, पेमेंट फेल्ड बता दिया, इनवैलिड डिटेल बता दी, ऐसा पॉसिबल है क्या दोस्तों बताओ। अगर हम डायरेक्ट कार्ड के थ्रू करते हैं तो EVV CVV इसने मुझे बताया कि गलत है, कैसे पॉसिबल है। फिर हमने वापस इसको पेटीएम के थ्रू वापस इसके अंदर पेमेंट किया, तो फाइनली जब वापस हमने सेकंड टाइम पेमेंट किया, तो हमारे अकाउंट के अंदर बचा कुचा उधार मांगा हुआ अमाउंट जो कि फाइनली कंप्लीट होने को जा रहा है। ओपन पेटीएम ऐप कुछ इसमें बताता है, जैसे पेटीएम पे गए वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है कि पेमेंट हमें करना है UPI के थ्रू। सो फाइनली जब पेमेंट क्लिक किया हमने, पे पे क्लिक करने के बाद में इसमें कुछ गाइडलाइन मांगता है पेटीएम की, कहीं फ्रॉड कंपनी नहीं है ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, जो कि तो फ्रॉड वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में हमारा जो थोड़ा सा फिर बफरिंग करता है, बफरिंग करने के बाद में ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, तो घबराना नहीं है दोस्तों। फाइनली हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है 7,499 का, और अब हम जाते हैं पे ओला ऐप पे। ओला ऐप पे जैसे जाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल ब्ला 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 ब्ला, और ये हमारा पेमेंट फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है।
और फाइनली पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है तो क्यों ना ऐप को अपना मजाक तो करना ही है, हमारे साथ बेइज्जती तो करनी ही है। सो फिर से ये बफरिंग करने लग गया और बफरिंग करते करते वारंटी फॉर योर स्कूटर हैज़ बीन सक्सेसफुल एक्सटेंडेड, ये बिल्कुल हमारे सामने चमचमाता हुआ लिखा हो जाता है, जिसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और फाइनली स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जब हम करते हैं इसमें तो ये हमारे सामने एरर आता है, योर सर्टिफिकेट हैड बीन नॉट जनरेटेड, मतलब पेमेंट कर लिए बट सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, एक दो दिन में आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। जी बिल्कुल, मेरा भी सर्टिफिकेट आ चुका है और इसका सर्टिफिकेट आने का जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा ढीला ढाला है, तो इस चीज़ का मैं आपको बताऊँगा इसका प्रोसेस क्या होता है। सो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अगर आपकी रनिंग 80 किलोमीटर है, अगर आपकी रनिंग 120 है, अगर आपकी रनिंग 160 किलोमीटर है, तो ये आपके लिए एक प्रॉफिट है। पूछो कैसे, एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 600 दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने की क्या बात है भैया, इसमें 365 दिन होते हैं, श्योर है, बच्चे बच्चे को पूछ लो, लेकिन मेरी मैथ वीक है तो मैं बता नहीं सकता। 365 दिन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 साल से, तो हमारा था 1095, मतलब 1095 डेज होते हैं। अब 1095 डेज को हम नॉर्मली 80 किलोमीटर का अगर अप डाउन होता हमारा रहेगा, 40 जाना 40 आना, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 80 किलोमीटर से, जो कि हमारी डेली रनिंग है, तो कुछ इस तरीके से सामने निकलने को आता है 87,600 किलोमीटर, जो कि आउट ऑफ वारंटी हो चुका है। कंपनी हमें बताती है टोटल और टोटल कि आपकी जो वारंटी रहेगी या जो आपका वारंटी पीरियड रहेगा, या तो 3 साल, या फिर आपके पास जो कि 40,000 किलोमीटर है, जो कि कंपनी दावा करती है। जी बिल्कुल हाँ, कंपनी 40,000 किलोमीटर का दावा करती है, 40,000 किलोमीटर या 3 साल का अगर हो जाता है तो खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया। और ये आपकी गाड़ी हो चुकी है आउट ऑफ वारंटी। तो मुझे बताइए, जहां पे आपने 150,000 रुपए खर्च किया है, 152,000 रुपए खर्च किया है, वहाँ पे अगर आप 7,500 रुपये और खर्च कर देते हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बुरा नहीं है। इसी की अगर वारंटी आप 5 साल लेते हैं तो हमें कितने प्रॉफिट होते हैं, हम कितना मज़े से चला सकते हैं, 5 साल तक हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, 5 साल तक कंपनी जाने, कंपनी का काम जाने, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे भरोसे चाहे गाड़ी टूटे फूटे कुछ भी हो, सब कुछ कंपनी संभालेगी। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, कंपनी जो वारंटी लेती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके टोटल और टोटल इस चीज़ की लेती है। फाइनली मैंने प्रॉफिट बता दिया, अब आपको लॉस भी बता देता हूँ। लॉस वो है जो मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया, अगर आप वारंटी नहीं लेते हैं तो आप लॉस में ही हैं। जी बिल्कुल हाँ, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। प्रॉफिट का मैंने आपको डीपली बताया, लॉस का मैंने शॉर्ट में बताया, क्योंकि अगर आपके प्रॉफिट समझ में आ चुका है तो लॉस भी आपके समझ में आ गया होगा कि जब तक हमारी वारंटी में नहीं होगी गाड़ी, हम छोटी सी 7,000 रुपये या 7,500-8,000 रुपये के लिए अगर हम रुक जाते हैं तो वारंटी से आउट जाएगा। और फाइनली मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप वारंटी बढ़ा रहे हैं तो दोस्तों जल्दी से जल्दी बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए ऑफ़र है। जी बिल्कुल हाँ, आपने सही सुना, कुछ टाइम के लिए ऑफ़र है, ये लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, जिसका लगभग 10 मई तक इन्होंने कुछ दे रखा है कि जो 10 मई के बाद में ख़त्म हो जाएगा, तो बढ़ा लीजिए अभी बेस्ट रहेगा, क्योंकि देर से ही दुरुस्त आए धोबी का कुत्ता घर को आए, कुछ ऐसा बोलते हैं, शायद मेरा डायलॉग गलत हो सकता है, तो आप सही डायलॉग कमेंट करके बताइए मुझे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, कि मुझे आप बताइए कि भैया आपका वीडियो कैसा क्या लगा और मेरी वीडियो में आपको मज़ा आया कि नहीं आया, ये भी तो मुझे बताइए। सो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको लेके चलते हैं एक नई वीडियो नए कंटेंट के साथ में। रुको 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 दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी में किसी के भी अभी भी प्रॉब्लम आ रही है या अक्टूबर में किसी ने गाड़ी बुक की है तो वो मुझे बता सकते हैं, उसकी फास्ट डिलीवरी कराने की गारंटी मैं लेता हूँ। जी बिल्कुल हाँ, 7 से 8 दिन या 10 या फिर लास्ट मैक्सिमम 15 दिन के अंदर मैं आपकी गाड़ी पूरी घर पे डिलीवर करा दूंगा, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। कुछ गाड़ियों को मैंने डिलीवर कराया है और कुछ गाड़ियों की पेंडिंग में चल रही है, अभी उनका प्रोसेसिंग चालू है, मैं कहीं ना कहीं मेरा पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरे यार दोस्तों का पूरा साथ दे रहा हूँ। सो जिस तरीके से मैंने आपका साथ दिया उसी तरीके से आप भी मेरा साथ दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दबा के, और अपने उन्हीं दोस्तों को जो प्रॉब्लम में है ओला बुक करके उनको भी आप बता दीजिए कि भैया यहाँ पे आइए और अपनी गाड़ी को चकाचक एकदम पेटेंट करवा के ले जाइए। जी बिल्कुल हाँ, धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ में, जय हिंद, वंदे मातरम।